बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आज मैं आपके लिए एप्पल जैम की मज़ेदार और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एप्पल का सीज़न इन है, इसलिए आप बहुत आसानी से घर में एप्पल जैम बना सकते हैं। बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी मैं बनाऊँगी। एप्पल जैम बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, इनमें शामिल हैं सेब 1 किलो, चीनी 500 ग्राम, लेमन, येलो फूड कलर। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सेब से छिलका उतार लूँगी। सेब का छिलका उतारने के बाद अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। सेब को छोटा छोटा काटने के बाद अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। सेब की कटिंग वगैरह करने के बाद अब मैं इसको बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। प्रेशर कुकर में मैं इसको इसलिए बॉईल कर रही हूँ क्योंकि इसमें ये जल्दी बॉईल हो जाता है और इसमें पानी का इस्तेमाल भी इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आप प्रेशर कुकर के अलावा इसको बॉईल करेंगे तो उसके लिए आपको पानी ज़्यादा दरकार होगा, जिसकी वजह से जैम परफेक्ट नहीं बनता। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 टेबल स्पून पानी। और जब इस पर प्रेशर आ जाएगा तो हम इसको 2 मिनट देंगे। जब तक सेब बॉईल होते हैं, हम साथ ही चीनी का पाउडर बना लेते हैं। सेब बॉईल हो गए, अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। सेब अच्छे तरीके से बॉईल हो गए, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नरम हो गए। अब मैं इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि सेब कितने खुश्क हैं। इसमें मैंने बहुत कम पानी डाल के इसको बॉईल किए। अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो इसमें पानी रह जाएगा और आपका जैम सही नहीं बनेगा। सेब का आपने इस तरीके से पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद अब मैं इसको एक पैन में निकाल लूँगी। साथ ही मैं इसमें आइसिंग शामिल कर लूँगी। शुगर को ग्राइंड करके मैंने इसकी आइसिंग बना ली है। इस तरीके से मैं इसमें आइसिंग शामिल कर दूँगी। इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम लगाई है ताकि ये जले नहीं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। जैम बनाने के लिए आप हमेशा नॉनस्टिक का बर्तन यूज़ करें। इसमें जलेगा भी नहीं और ये अच्छे तरीके से पक भी जाएगा। इसको हम इतना मिक्स करेंगे कि इसमें गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। जब तक इसमें चीनी मेल्ट नहीं हो जाती, हम इसको मिक्स करते रहेंगे। आइसिंग इसमें मेल्ट हो गई है, इसको हम इतना पकाएंगे कि इसमें पानी खुश्क हो जाए। जो हमने इसमें आइसिंग शामिल की है, उसने अपना पानी छोड़ दिया, तो अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसमें पानी ख़त्म हो जाए। चीनी को आप हमेशा ग्राइंड करके जैम में यूज़ किया करें, उसमें वो आसानी से मेल्ट हो जाती है और पकने में आसानी रहती है। इसको उबाल आने लगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे लेमन। 2 अदद लेमन मैं इसमें निचोड़ लूँगी। इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं। लेमन मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। आप इसको 2 से 3 माह तक आराम से फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड है तो आप 1 पिंच सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए बता रही हूँ कि आप इसमें लेमन डालें तो वो भी सिट्रिक एसिड का काम करेगा। लेमन डालने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी येलो कलर। कलर डालने से इसका बहुत ही अच्छा
कलर आ जाता है, जैसे कि आप देखते हैं कि जैम का कलर होता है, इसी तरीके से इसका परफेक्ट कलर आ जाएगा। जैम को हमने इतना पका लिया है कि इसका पानी खुश्क हो गया है, इसमें बबल्स बनने लगी हैं, लेकिन हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो जाए कि यहाँ पर जब हम इसको ऊपर करें तो इसकी एक धार बने। जैम को हमने इतना पकाया है और इसका पानी इतना ज़्यादा हमने खुश्क कर लिया है कि अब ये ख़ुद ही पैन से अलग हो रहा है। आप इसको देख सकते हैं ये कैसे पैन से अलग हो रहा है। इस तरीके से आपने कर लेना है। दूसरा तरीका ये, आप इसको हाथ में लेकर इसकी धार भी चेक कर सकते हैं। अगर इसकी धार बन रही है तो इसका मतलब ये परफेक्ट बन चुका है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर लूँगी और इसको एक एयर टाइट जार में निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार एप्पल जैम तैयार है। आप इसको 2 से 3 माह तक आसानी से फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और Instagram पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।